अवकाश के बाद वापस आने पर सोमवार को जिलाधिकारी के जनता दर्शन में फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई। काफी दिनों से लोग जिलाधिकारी के अवकाश के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। किसी को इलाज के लिए दवा का दरकार था तो किसी को अपने जमीन की बाउंड्री का, किसी को वृक्षारोपण कराने के लिए पौधों की जरूरत थी। इस तरह अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग डीएम के दरबार में पहुंचे, जिस पर डीएम ने एक एक लोगों की बातों को ध्यान पूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उसके समाधान के निर्देश दिए। बाउंड्री वाल उठाना है, किसका नाम है? बाउंड्री किसका है? एंगल कितने बड़ा है? फेंसिंग चाहते हैं यानी और उस समय ऐसे ही पड़ा हुआ था। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं बता दी? भोजन तो मिलता है नहीं, ये सब चलता है नहीं, उसमें हम भी एक दिन कंट्रीब्यूट करते हैं। कारण सही है ना भाई, यदि तो वहाँ पहले रहा है तो दोबारा नहीं भेजेंगे? कौन सी स्टेशन चाहते हैं? सैजरो, पहले सैजरो नहीं रहा है? ठीक है, चल किसको आपको ना इलाज आपने है कि बच्चे का है? आपका क्या बीमारी बताएं? चोट लगी थी, गिर गई क्या? ऑपरेशन कराने के लिए स्कैन कराना पड़ेगा, स्कैन नहीं करवाया अभी, एक्सरे कराए क्या? हो जाएगा, हम मेडिकल प्रिंसिपल को लेंगे तो आप मिल के ना आपने नाम दर्ज करा लिया क्या? तो नहीं, तो फिर हमारे नाम हो गया है सर, लेकिन 344 में है विवाद जी जी। आपका नाम क्या है, कौन लिया? विजय कुमार तिवारी। आप अगले डेट में है विचाराधीन? हाँ, विचाराधीन है, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर करवाया था अपने फेवर में, वो कहाँ है? वो तो दिखा नहीं रहे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी आदेश है, वो कब्जा करने जा रहे हैं क्या? वो कहाँ आदेश देना चाहिए था कि अब आप एसडीएम साहब से लिखवा करके ले आइए कि इसके बाद कराने, जबकि पैमाइश हो गई सारी। नहीं, कब हुआ था पैमाइश? अभी हुआ है, अभी हुआ है, बॉडी उठाई है ना, क्या कर रहा है? बाउंड्री
आपने दे रखे बेटे भाई। नहीं,